रहीम, एक मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर लें। लहसुन को मैंने अभी चॉप किया है, चॉप कर लें या पीस लें। 1 किलो कलेजी के अंदर 1 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी पीस के रखा है, वो मैं बाद में मिक्स करूँगी। हमने सबसे पहले ना इसमें मसाला लगा के रख देना है। आप खुद घर का बना हुआ मसाला भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो शान और नेशनल, इनका टिक्का मसाला मिलता है, तो ये भी आप लगा सकते। कलेजी मसाला सेपरेट भी मिलता है, मगर टिक्का मसाला भी लगा सकते हैं। मैं वैसे कभी लगाती नहीं हूँ, आज लगा रही हूँ क्योंकि जल्दी देर हो गई है, तो मैंने कहा एक क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। ये आपने ना एक जो पैकेट होता है उसके अंदर से 1 से 2 टेबलस्पून 1 किलो केजी के अंदर ना टिक्का मसाला लगाना है। रहमान रहीम, ये देखिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे ना पीस लिए अच्छी तरह और इसे मिक्स कर दें, और साथ ही हम अब बना लेंगे इसके साथ ही ग्रेवी। इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। ज़रूरी बात, मटन की कलेजी है, यानी कि बकरे की कलेजी है, वो बेहतरीन बनती है। बीफ की कलेजी ये नहीं है, ये मटन की कलेजी है। प्याज ले लिया, उसे अच्छी तरह चॉप कर लिया, और 7 से 8 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने लिए हैं ऑयल के। अगर आप ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा 10 से 12 पर ले जाएं, जो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मज़े का लगता है सालन में, मैं ज़रा कम लेती हूँ। अच्छा, एक चॉप किया हुआ प्याज है, क्योंकि आपको पता है जनाब प्याज बहुत महंगी हो चुकी है, तो बस एक चॉप किया हुआ प्याज है। इसकी हमने ग्रेवी बनानी है, और हमने जब कलेजी ऐड करनी है तो उसमें ज़रा भी पानी नहीं ऐड करना। कलेजी का गुर जो है ना वो यही है, इसमें पानी ऐड नहीं करना। जो हमने पानी ग्रेवी वगैरह बनानी है वो हमने कलेजी ऐड करने से पहले बना लेनी है। ये प्याज अच्छी तरह जब ब्राउन होंगे तो फिर हम इसमें हल्का सा मसाला ऐड करेंगे। माने रहीम, ये हमारे हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं। अच्छा, ये जो है ना, आपको मेन बात बताऊँ, हमारे सर हाशिम थे कोथम के, थे क्या हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सर, क्योंकि पहले से मैंने डाला हुआ था मसाला इसके अंदर, और नमक हंसते जायका। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना मेरे सर हाशिम की है, कोथम वाले, कोथम के मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें तो पता है, नए को अब बता रही हूँ। सर हाशिम, मैंने कोथम से बेकिंग एंड कुकिंग का कोर्स किया है 1 साल का, तो उसके अंदर जो हमारे कुकिंग के सर थे ना, सर हाशिम, उनकी ये स्पेशल रेसिपी थी भुनी हुई कलेजी की, तो मैंने कहा आज आपसे यही शेयर करूँगी। तो बस इसके अंदर जो है हमने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ मसाला और नमक हंसते जायका मिला है, बस और कुछ नहीं ऐड करना फ़िलहाल, बस यही चीज़ें। ऐड करेंगे हल्दी, ये भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला और मेथी बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब ये भुन जाएगी। होने लग गया, अब इसी अंदर हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है रेस्टोरेंट स्टाइल भुनी हुई कलेजी। पानी रही, मज़ेदार सी ग्रेवी बन चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी को, और फिर हल्की आंच पे ना कि हमने दम दे देना, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई, इसे दम पे रखा हुआ है हल्की आंच पे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बिल्कुल ऐड नहीं करना। अच्छा, दही भी हंसते ज़रूर, जायका है, आपकी मर्ज़ी है, ऐड करें ना करें, क्योंकि ये है जल्दी जल्दी पक जाने वाली इंस्टेंट कलेजी। जब आपके पास काम हो, आपके पास टाइम ना हो कुछ बनाने का, ये बनाएं और मज़े करें। रहमान रहीम, अच्छा इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, और ये देखिए अब ये पक चुकी है। माने वैसे तो ये फुल रेडी हो चुकी है, मगर अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो दही भी ऐड कर दें, 2 चम्मच दही ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2-3 जितने आपका दिल करे आप ऐड कर दें टेबलस्पून, और इसे फिर हमने अच्छी तरह भून लेना है। बस मान रही, ये मज़ेदार से भून चुकी है, बस अब हम इसे प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको दिखाते हैं। माने रही, मज़ेदार सी कलेजी बन चुकी है, इसके ऊपर मैंने मेथी स्प्रिंकल की है, और अब गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप हरा धनिया, हरी मिर्चें भी कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और ये थी आज की मज़ेदार सी मटन कलेजी स्पेशल कोथम रेसिपी सर हाशिम की, मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अल्लाह हाफिज़। शेयर भी कर दें तो अच्छी बात होगी।